लक्ष्मण, ये चित्रकूट है तपोभूमि। प्रभु राम ने अयोध्या के बाद जिस स्थान पर सबसे अधिक समय व्यतीत किया वो चित्रकूट है। ये वही मंदाकिनी नदी है जहां प्रभु राम नित्य स्नान किया करते थे। यहीं घाट पर राम भरत मिलाप की कथा बताई जाती है। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सुधामदम। भगवान राम 12 वर्ष चित्रकूट में रहे थे। यहाँ के बहुतेरे प्रमाण हैं, यहाँ की घाटें, यहाँ के झरने, यहाँ का कण कण भगवान राम की निवास की गाथा कहता है। और दर्शकों को तो आज भी प्रातःकाल 4 बजे से 5 बजे के बीच भगवान राम और लक्ष्मण के धनुष धोने के खटखट स्वर, सीता जी के पायल की छन छन ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है और भरत जी की विलखन और उनकी वेदना के करुण क्रंदन के स्वर भी यहाँ सुनाई पड़ते हैं। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम। चित्रकूट में श्री राम की बनाई 24 कुटियों की कथा सुनाई जाती है। उनमें सर्वाधिक मान्यता पर्णकुटी की है। घास फूस और पत्तियों से बनी पर्णकुटी मंदाकिनी नदी के तट पर थी। आज उसी पर्णकुटी में दिव्य मंदिर है। 4 धाम चित्रकूट में बताए जाते हैं, जानकी कुंड, अनसूया, स्फटिक शिला और गुप्त गोदावरी। भगवान राम गुप्त गोदावरी की गुफा में ही कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करते थे, गोपनीय चर्चा देवताओं से करते थे। चित्रकूट का यही अर्थ ही है, चित्रम कूटम, जैसे मैंने यहाँ हम जहाँ विचित्र कूटनीति का निर्माण हुआ था, यहीं रावण वध की रणनीति भगवान राम ने बनाई थी। यहाँ तक कि भगवान राम के पूजित 5 शालग्राम आज भी यहाँ पे हैं, कामदगिर के द्वितीय द्वार पूर्वी द्वार पर। और अंत में तो गोस्वामी जी ने कह दिया, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु से लखन समेत। चित्रकूट में भगवान निरंतर विराजते रहते हैं। धार्मिक आस्था का आधार अनुभूतियां होती हैं। अयोध्या में पग पग पर ये मिलती हैं। फैजाबाद, जिसे अब अयोध्या कैंट कहते हैं, वहां प्रभु राम के लंका कांड से जुड़ी एक निशानी है जिसे नाका हनुमान गढ़ी कहते हैं। एक स्थान ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में स्थित है और यहाँ का ये पौराणिक इतिहास है कि यहाँ पर हनुमान जी संजीवनी लाते समय जब लंका से चले हैं और लक्ष्मण जी को वीर घातनी बाण लगा है, शक्ति लगी है, तो हनुमान जी जाते हैं तो सर्वप्रथम वो विजयथुआ जाते हैं जो कि सुल्तानपुर में स्थित है। और वहाँ पर कालनेमी को वध करते हैं, फिर वहाँ से जाते हैं द्रोणागिरी और ये हनुमानगढ़ी और विजयथुआ महावीरन एक लाइन पर है, एक सिद्धांत, फिर दक्षिण सीधे लंका है। ऐसी स्थिति में भरत जी ने सोचा कोई राम रावण युद्ध चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मायावी राक्षस अयोध्या में प्रहार करने के लिए भेजा हो, विशालकाय रूप था। तो उन्होंने उसको तुरंत जो है बाण का संधान किया, कुश का,
और हनुमान जी को जब तो जब नीचे आने लगे तो राम राम किया तो उन्होंने कहा तो दौड़े भरत जी, तो जब भरत जी दौड़ते हैं तो उनको यहीं पर रोक लेते हैं। उसके बाद इस स्थान का धीरे धीरे कालांतर में इसका नाम पहाड़पुर था, आज भी है पहाड़पुर। पीछे जहाँ बैठे हैं तो ये सामने जनौरा ग्राम है और पीछे पहाड़पुर है और इसके ठीक सामने मंत्रेश्वर महादेव है। लंका में रावण का वध कर श्री राम जब अयोध्या वापस आए तब उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक जिस जगह हुआ उसे रत्न सिंहासन या रतन सिंहासन कहा गया। ये प्रभु श्री राम जी की राजगादी, तो इसी राजदरबार पे वशिष्ठ महामुनि ने श्री राम जी का राज्याभिषेक किया। वाल्मीकि रामायण में इस स्थान का उल्लेख है, वेद शास्त्र में भी उल्लेख है। अयोध्या नगरे रम्य रत्न मंडप मध्य के स्मरे त्रिकल्प तरो मूल्य श्री रत्न सिंहासनम शुभम। हमारे प्रभु श्री राम जी ने रत्न सिंहासन को सुशोभित करते हुए 11,000 वर्ष त्रेता के अंत में प्रजापालन किया। मध्य में प्रभु श्री राम जी हैं और श्री राम जी के दाहिने बाजू में लक्ष्मण जी, बाएं बाजू में माता जानकी जी और तीन मूर्ति के पीछे जो दो मूर्ति आप और देख रहे हैं वो भी राम सीता की अति प्राचीन मूर्ति जो महाराजा विक्रमादित्य को सरयू स्नान करते समय वो प्राप्त हुई और उन्होंने ही स्थापित किया। रत्न सिंहासन था, वो रत्न का जड़ित था। भगवान वहाँ बैठ करके जब रामराज हुआ तो राजकाज चलाते थे और इस तरह का उस समय का जो वातावरण था कि सब नर कर ही परस्पर प्रीति, कोई दुखी नहीं था, नहीं दरिद्र को दुखी न दिया। अयोध्या के बार बार बसने और उजड़ने की कई कथाएं हैं, लेकिन रामनगरी में हनुमान टीला सदैव जस का तस रहा। हनुमान जी की प्रधान पीठ हनुमान गढ़ी। मान्यता है कि अयोध्या के राजा आज भी हनुमान जी हैं। कथा यह है कि लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी के लिए यही निवास स्थान चुना और ये अधिकार दिया कि श्री राम जन्मस्थान दर्शन से पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन और पूजन का विधान हो। यहां पवन पुत्र हनुमान की 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। हनुमान गढ़ी है, स्वयं हनुमान जी जो जब लंका से आए और भगवान जब प्रस्थान करने लगे तो हनुमान जी को ही अयोध्या सुपुर्द करके चले गए थे कि तुम अब अयोध्या का देख रहे कब तुम्हारे हाथ। राज्याभिषेक हनुमान जी महाराज का किया, लव और कुश जिसको कुशावत काबुल कांधार अफगानिस्तान ये एरिया देकर, लेकिन हनुमान जी महाराज का अयोध्या का राजा बनाया और हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। सभी भक्तों का सुनते हैं, वो भक्त आने के बाद तब हनुमान जी राम जी के चरण शरण में उन भक्तों को भेजते हैं। राम दुर्ग के चारों तरफ उनके 20 मुख्य पार्षदों का निवास था जिसमें मुख्य द्वार पे महाबली हनुमान जी का द्वार स्थान था जहाँ आज भी हनुमानगढ़ी सुरक्षित है। जिन स्थानों में भगवान के भक्त आकर के रहते हैं, निवास करते हैं और जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं उन स्थानों को हम तीर्थ कहते हैं। सामान्यतया धाम और तीर्थ का ये भेद है, भक्तों के द्वारा जो निर्मित हुआ है वो तीर्थ है और भगवान के द्वारा जो निर्मित हुआ है वो धाम है। धाम वो है जहाँ परमात्मा ने अवतार लेकर के उसे अपना आश्रय बनाया। आस्थावानों के लिए सबसे बड़ा प्रमाण परंपराएं होती हैं। परंपराओं में गुण यह है कि ये धार्मिक मान्यताओं को संरक्षित रखती हैं, लेकिन परंपराओं में एक कमी होती है कि वो परिवर्तनशील होती हैं। त्रेता युग से कलयुग में श्री राम की भक्ति से जुड़ी परंपराओं में कई परिवर्तन हुए, लेकिन एक तथ्य अटल है कि श्री राम
धर्म की रक्षा के लिए इस धरती पर आए। तो प्रभु राम के इस लोक से जाने की वजह क्या रही होगी? एक निमित्त बनता है कि उस काल स्वयं महात्मा के वेश में आता है, लक्ष्मण द्वारपाल है, हम दोनों के बीच में वार्ता होगी, उस बीच में कोई अंदर ना आवे। राम जी ने लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर रख दिया और जब अंदर वो महात्मा के रूप में काल आया तो प्रभु श्री राम से वार्ता करने लगा। जिनमें सबसे प्रचलित है प्रभु राम का काल से संवाद। ये श्लोक उस संवाद का एक उदाहरण है। दश वर्ष सहस्त्राणी दश वर्ष शतानी च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। जब भगवान का प्रस्थान का समय हुआ राम जी का, तो कैसे प्रजा को छोड़ करके जाएं, तो उन्होंने एक योजना बनाया। योजना से दुर्वासा जी को आह्वान हुआ और लखनलाल जी को कहा गया कि आप दरवाजे पर ही पहरा दीजिए, मेरे आज्ञा के बिना किसी को आप अंदर नहीं आने देंगे। तब तक दुर्वासा जी आ गए द्वार में, बोले मुझे तुरंत प्रवेश करना है। प्रभु राम ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि अगर कोई बीच में आ जाएगा तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। तो दुर्वासा जी आए, बोले मुझे भी तुरंत मिलना है। लक्ष्मण जी ने कहा बस थोड़ी प्रतीक्षा करिए, थोड़ी करिए, थोड़ी करिए। बहुत क्रुद्ध हो गए दुर्वासा जी, बोले अगर प्रवेश करने देंगे ठीक है, नहीं तो मैं भी पूरी अयोध्या को जलाकर भस्म कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, सोचा मन में कि एक तरफ मैं अगर प्रवेश करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा और अगर नहीं मैं जाता हूं तो पूरी अयोध्या के लोगों को दंड मिलेगा। दुर्वासा जी के जो है उग्र रूप को देखकर लक्ष्मण जो है उनको धर्म महल में जाने देते हैं। तो लखनलाल जी प्रवेश किए, प्रवेश करते ही प्रभु राम ने कहा मेरे वचन के अनुसार ऐसा क्यों? जैसे लक्ष्मण जी प्रवेश किए, राम जी क्रुद्ध हुए और वहाँ साधु रूप में जो काल था वो गायब हो गया। तब प्रभु राम ने कहा मैं वध तो नहीं कर सकता, प्रतिज्ञा भी मेरी रखनी है और तुम्हारा वध भी नहीं कर सकता, त्याग देते हैं, जाओ लक्ष्मण मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ। लक्ष्मण से मोह भंग का समय आ ही गया, मुक्ति गली से ही प्रस्थान करना है। श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। फिर राम दुर्ग से जिस रास्ते वो सरयू तट की तरफ बढ़े उसे ही मुक्ति गली कहा जाता है। आपको जब स्वर्ग द्वार में जाएंगे तो उस घाट पर जाने के लिए एक गली है जिसका नाम मुक्ति गली है। तो रामकोट से निकलते हैं, रामकोट से सीधे स्वर्ग द्वार आते हैं और जिस मार्ग से आते हैं और स्वर्ग द्वार पे जिस जगह आते हैं उस स्थान को मुक्ति गली का नाम दिया गया। मुक्ति गली से आते हैं, सरजू नदी के किनारे प्रणाम करते हैं और उसके बाद पश्चिम दिशा की तरफ मुख करते हुए गोपतार घाट चले जाते हैं। मुक्ति गली की तलाश अयोध्या में करना आसान नहीं। मुक्ति गली का एक मुहाना राम की पैड़ी पर खुलता है, जहां से निकलकर प्रभु राम ने सरयू तट से पश्चिम की तरफ बढ़ना शुरू किया था। अयोध्या से 11 किलोमीटर दूर श्री राम गुप्तार घाट पर पहुंचे। ऐसे ही सारी लीलाएं पूरी करके जब भगवान अपने नित्य दिव्य धाम में प्रवेश करते हैं तो वो एक स्थान है जिसको गोप्रतार तीर्थ कहते हैं हम लोग। जन्म माँ की कोख से लिया जाता है और अंतिम शयन की शैया भी माँ ही होती है। उधर कौशल्या को भगवान ने जन्म के लिए चुन लिया और अपनी लीला के विसर्जन के लिए भगवान ने सरयू मैया को चुन लिया। कथा है कि प्रभु राम ने गुप्तार घाट पर भाई भरत और शत्रुघ्न की पत्नियों
और अयोध्या वासियों के साथ परम धाम जाना तय किया। और उसके बाद में प्रभु राम पूरे अयोध्या वासियों को साथ में लेकर, और यहाँ गोप्तार घाट है, आज भी सरयू जी का बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, उसी में दिव्य विमान में बैठकर और पूरे अयोध्या वासियों को, मनुष्य जड़ चेतन सबको बैठाकर उस विमान में, और अपने वैकुंठ को भगवान पधार जाते हैं, ले जाते हैं। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो अनादि हैं, नित्य निरंजन सुख संदोहा, नित्य हैं, निरंजन हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। गुप्तार घाट की एक मान्यता है कि यहाँ सरयू में डुबकी लगाने पर यमलोक से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि भक्त को गुप्तार घाट पर डुबकी लगाने से सीधे हरिधाम की राह मिल जाती है। अवध तहां जहां राम निवास हो, जहां राम निवास करेंगे वहीं अयोध्या है। जड़ वृक्षों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, पत्थरों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम, लताओं वृक्षों को प्रेम देने वाले भगवान श्री राम। आइडियल हस्बैंड, आइडियल फादर, उनसे ज्यादा कोई मर्यादा सिखा ही नहीं सकता। राम सर्वे भवंतु सुखिना की भावना, राम प्यासे त्रसित त्रिशत हृदयों का परमानंद, राम गिरती बहकती और भटकती हुई चेतना को पथ देने वाले राम। चरित्र का निर्माण अचानक नहीं होता है, ये एक बड़ी परंपरा है और भगवान श्री राम उसको प्रमाणित करते हैं। अपने आराध्य श्री राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने यूं ही नहीं कहा था, करों कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकी नाम गुण गाई। अर्थात स्वयं प्रभु श्री राम अपने नाम की व्याख्या नहीं कर सकते तो कोई और इंसान क्या ही करेगा। राम तो युगों युगों से जन जन की अभिव्यक्ति है, हमारे अभिवादन में, हमारी अनुभूतियों में, रीतियों में है, रिवाजों में है, जन से मृत्यु तक के संस्कारों में राम है। भारत की सामूहिक चेतना, संस्कृति, राजनीतिक मूल्यों में राम है। अयोध्या में इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श मूर्त रूप में विद्यमान है। जय सियाराम। Jai